Daily Practice Problems Part 1 Solutions. Uh, we will do uh, basic questions from NCRT and other reference books, and there will be 5 questions uh, daily. Okay, so let's start uh, our first question, uh, which is Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. So pehle to question पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है hame so, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि karna hai benzene करना है benzene का. Okay. so का mein jo क्वेश्चन में जो hai दी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे डिटेक्ट करेंगे कि 22 टू ग्राम बेंजीन दिया हुआ है एंड 122 ग्राम कार्बन सो ट्वेंटी टू ग्राम बेंजीन मतलब दिस विल बी सोल्यूट क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है और वन ट्वेंटी टू ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दिस विल बी सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में ओके सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला लगेगा मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू हंड्रेड सो दिस इज़ द फार्मूला सो मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए सो मास ऑफ मास्यूशन क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा वैल्यूज पुट करें एंड सॉल्व इट आगे की कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है आंसर्स यू कैन सॉल्व इट मैंने मेथड बता दिया है ओके सो वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग फाइव ग्राम ऑफ एन एच इन फोर फिफ्टी एम एल ऑफ सोल्यूशन सी मुलारिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर टू में विच वॉज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू थाउजेंड ओके सो इसमें अब दो तरीके हैं आपके पास करने के लिए या तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो एन एच के देन पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट दूसरा मेथड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सो so, दूसरा मेथड के लिए एक और फार्मूला हमने डिड्यूस कर सकते हैं जो रेगुलर फार्मूला है उससे सो दिस इज द अदर फार्मूला विच वॉज़ डिड्यूस्ड फ्रॉम द बेसिक मोलारिटी फार्मूला सो वेट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सल्यूट इन टू मुलेरिटी इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय थाउजेंड सो इसमें बेसिक वैल्यूज़ पुट करो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा ओके okay. इसी so, आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा आपको ईजी पड़ता है मुझे ये वाला फॉर्मूला ईजी पड़ता है इसलिए मैं जनरली ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे नंबर ऑफ मूल्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ते डायरेक्टली सारी गिवन वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द बेसिकली हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ओके सो विल गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मूल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग ये कंटेनिंग है ओके थर्टी परसेंट बाई मास इन कार्बन टेट्रोक्लोराइड सो मूल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है हमें बेंजीन का गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें कि थर्टी परसेंट बेंजीन डिजॉल्व है कार्बन टेट्रोक्लोराइड में सी जो सोल्यूशन बनता है दैट इज़ ऑलवेज हंड्रेड परसेंट सो उसमें अगर थर्टी परसेंट पार्ट बेंजीन का है सो ऑब्वियसली सेवेंटी परसेंट जो पार्ट होगा दैट विल बी कार्बन टेट्राक्लोराइड सो हमें ये पता चल गया कि थर्टी ग्राम बेंजीन डिजॉल्व है सेवेंटी ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो सबसे पहले क्या करेंगे बेंजीन के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे सो so, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन तो गिवन मास बेंजीन का कितना है थर्टी ग्राम्स मोलर मास बेंजीन का ओके मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सी सिक्स एच सिक्स सो कार्बन सिक्स छः कार्बन है तो उसका मोलिकुलर मास होगा सेवेंटी टू छः हाइड्रोजन है तो प्लस सिक्स वी विल गेट सेवेंटी एट सो हम डिवाइड करेंगे थर्टी डिवाइडेड बाई सेवेंटी एट वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर बेंजीन ओके नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टाइट्राक्लोराइड नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे गिवन मास ऑफ कार्बन डेट्रा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सी सी एल फोर सो मोलर मास सी सी एल फोर का कितना होता है ऐड करेंगे सी एल फोर के चार आइटम्स है और कार्बन का एक, एक आइटम है तो ऐड करोगे तो वन फिफ्टी फोर मिलेगा तुम्हें गिवन मास कितना दिया हुआ है हमने अभी कैलकुलेट किया था थर्टी परसेंट वाले डेटा से जिसमें वैल्यू थी सेवेंटी ग्राम तो सेवेंटी ग्राम डिवाइडेड बाय 154 सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएंगे अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं सो so हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इस इसको सॉल्व करेंगे सो so हमें आंसर मिल जाएगा ओके सो नेक्स्ट हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है सो so कैलकुलेट नहीं करेंगे अगर आपको निकालना हो तो वन से माइनस कर दीजिए बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा या फिर बेसिक जो फार्मूला है उसी फार्मूले में पुट करके हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट आस्ट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ टू पॉइंट फाइव ग्राम ऑफ इथेनोइ एसिड इन सेवेंटी फाइव ग्राम ऑफ बंजीन ओके सो इस क्वेश्चन में हमें मोलालिटी कैलकुलेट करना है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था हमेशा क्या कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला आप रिमाइंड कीजिए सो मुलालिटी का फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉलवेंट अगर हम ग्राम्स में रह रहे तो इन टू थाउजेंड ओके सो दिस इज़ द फॉर्मूला जस्ट उद द वैल्यू सर पहले इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे मूल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सो मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड मोलर मास इथेनोइक एसिड का कैलकुलेट करेंगे दो कार्बन आइटम है चार हाइड्रोजन आइटम है और दो ऑक्सीजन आइटम है तो सबके अटोमिक मास को ऐड करोगे सो यू विल गेट सिक्सटी ओके सो मोलर मास मिल गया हमें सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई सिक्सटी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे अब मोलालिटी के फार्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे सो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सेवेंटी फाइव इन टू थाउजेंड सो जस्ट इसे सॉल्व कर लेंगे सो so हमें मोलालिटी की वैल्यू पता चल जाएगी कि दिस इज़ द मोलालिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इसे और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या हाँ कर सकते हैं सी मोलालिटी जो होती है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन टू थाउजेंड होता है uh, हम इसे uh, और ईजी कर सकते हैं सीम नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन टू थाउजेंड जस्ट इसमें पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द मोलालिटी सो दिस इज वन ऑफ द ईजीस्ट थिंग यू कैन डू हर एक फॉर्मूले को थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लो उसके बाद तुम्हें तो जस्ट डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी uh, हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम यूज़ uh, करते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वो कम हो जाए ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास इन वाटर तो इस क्वेश्चन में हमसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का सो so, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकॉल के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके किसके इथिलीन ग्लाइकॉल के टोटल नंबर ऑफ मोल्स और वाटर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ओके सो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर के नंबर ऑफ मोल्स सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ट्वेंटी परसेंट ऑफ इथेलीन ग्लाइकॉल सो ट्वेंटी परसेंट बाई मास का मतलब ये होता है कि ट्वेंटी ग्राम्स इथिलीन ग्लाइकॉल डिजॉर्व है हंड्रेड ग्राम सॉरी ऐटी ग्राम्स वाटर में सो एटी ग्राम हो गया हमारा वाटर का गिवन मास ट्वेंटी ग्राम हो गया हमारा इथेलिन गाइकॉल का गेवन मास सो नंबर ऑफ मोल्स कैल्कुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास सो गिवन मास हमें है दिया हुआ यहाँ पे ट्वेंटी ग्राम्स और इथिलीन ग्लाइकोल का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें सो so कार्बन के है दो आइटम्स हाइड्रोजन के है छः ऑक्सीजन के है दो सबको ऐड करेंगे तो टोटल आता है सिक्सटी टू सो नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट कर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी देन वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सो so, वाटर का गिवन मास कितना है 80 इस इंफॉर्मेशन से हमने निकाला था सो so, 80 डिवाइडेड बाय 18 सो नंबर ऑफ़ कैलकुलेट्स करो सो so, इतने नंबर ऑफ़ वाटर के मोल्स हैं नाउ पुट द फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सो इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स कितने हैं इतने टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाटर के मोल्स प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल के मोल्स सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा ओके सो नेक्स्ट हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टू में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ओके टिल देन यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स यू हैव और बेसिक एनसीईआरटी से यू कैन प्रैक्टिस ओके थैंक यू